हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम बनाना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ली है और हम इसमें बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट हमारे 2f1 पे हो तब। तो उससे पहले हमें इसमें मार्क कर लेते हैं f1, 2f1, f2 और 2f2। ये होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब इसे मार्क करने के क्या तरीका है कि आपको सारे के लेंथ इक्वल रखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ मिडिल में ओ में 6 को रख लिया। अब मैं लूँगा सब में 2-2 सेंटीमीटर, जैसे 6 से 2, यहाँ पे 8, फिर 8 में 2, यहाँ पे हमारा आ गया 10। उसी तरह 6 से पीछे 2 तो 4, 4 से इधर 2। अब देखा हमने, ये हो जाएगा हमारा F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। आपको ध्यान देना है कि आप जैसे मैंने लेंथ 2 लिया है वैसे आपको भी सारे लेंथ इक्वल लेना है। ज़रूरी नहीं कि 2 ही लीजिए, आप 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि F1 और 2F1 हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे रे डायग्राम के। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 के पीछे। तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, इसके नेमिंग कर दीजिए। ये हो गया ए और नीचे वाला पोजीशन बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस दो आसान सी स्टेप और आपकी रे डायग्राम कंप्लीट। और यही दो स्टेप आपको हर रे डायग्राम में फॉलो करनी है। अब वो स्टेप से पहला, आपको इस स्टॉप पॉइंट से एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस तक खींचनी होगी। जैसे ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इस पैरेलल लाइन को यहाँ जो आई है इसे F2 से पास कर देनी है। देखिए मैंने मार्क किया और F2 से मैंने पास कर दिया, तो ये बन गया हमारा एक रे। दूसरे रे को आपको कुछ नहीं, इसी पोजीशन से ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देनी है। ऑप्टिकल सेंटर से हमने एक सीधी रे पास कर दी। बस आपको यही दो रे हर डायग्राम में पार करनी है। ऑब्जेक्ट के टॉप से एक पैरेलल लाके F2 से पास और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों रे की, वही हमारी बन जाएगी इमेज की पोजीशन। तो इमेज के लिए मैंने रेड पेन ले लिया है। ये बन गई हमारी इमेज की पोजीशन। अब ध्यान दीजिए, ये तो रिवर्स हो गया, मतलब इन्वर्टेड हो गया। ये बन जाएगा हमारा ए डैश और ये पॉइंट को नाम हो जाएगा बी डैश। तो आपने देखा, जब हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2F1 तो हमारी इमेज बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2। मैंने पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज की ट्रिक भी बताई हुई है अपनी पिछली वीडियो में। वो वीडियो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वो आप देख ले, उससे आपको कॉन्वेक्स लेंस की पूरी चार्ट मुँह जवानी याद हो जाएगी। उसमें मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बताई है। अब चलिए हम इसके नेचर लिखते हैं। नेचर क्या है? ये एक्चुअल रे डायग्राम की मदद से बनी है, इसलिए ये तो बन गई रियल। एंड दूसरी, ये देखिए, ये ऊपर साइड थी, ये रिवर्स हो गई है, उल्टा हो गई है, इसका मतलब ये बन गई हमारी इन्वर्टेड इमेज। दूसरा, इसके साइज के बारे में लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये साइज है ऑब्जेक्ट की, ये उससे कम है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज कम हो गई, मतलब ये हमारा हो गया डिमिनिश्ड, ठीक है। तो देखा हमने कैसे बस दो स्टेप की मदद से एक रे लाइन पैरेलल खींच के उसे F2 से पास कर दिया और एक उसी पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारा होगा इमेज का पोजीशन। बस ये दो स्टेप आपको हर रे डायग्राम में फॉलो करनी है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रे डायग्राम की ओर। अब आप देख सकते हैं मैंने दूसरी क्वेश्चन ले ली है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा एट 2F1। मैंने पहले से ही मार्क कर दिया है F1, 2F1, जैसे कि मैंने पहले बताया। मैंने इसमें भी दो की ही गैप ली है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी ले। सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट 2F1।
एड टू एफ वन मतलब यहाँ पे बन गई हमारी ऑब्जेक्ट, इसका नाम ले लेते हैं ए बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो दो स्टेप मैंने पिछली बार बोला उसे ही यहाँ भी करना है कि एक पहले पैरेलल लाइन खींच लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के और वो आएगा आपके लेंस तक, उसे आप पास कर दीजिए। F2 से ये आपने पास कर दी, ये बन गया हमारा रे। दूसरा में मैंने आपको कहा था कि उसी पॉइंट से आपको ऑप्टिकल सेंटर से भी सेम एक रे बस पास कर देनी है। देखिए मैंने वो पॉइंट ले लिया, और ये मैंने खींच दिया रे। अब ध्यान दीजिए ये बना है हमारा इस जगह इंटरसेक्शन पॉइंट आई, तो मतलब हमारा इमेज बनेगा इसी जगह पे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इमेज के लिए एक लाइन खींच दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ये फिर हो जाएगा बी डैस और ये होगा हमारा ए डैस। अब ध्यान दीजिए जब 2F1 पे था हमारा ऑब्जेक्ट तो वो बना है 2F2 में, और ये आप अपनी चार्ट में देख सकते हैं। मैंने इसकी ट्रिक जैसे कि आपको बताया कि मैंने पहले भी बताई हुई है, आप उसे एक बार ज़रूर देख ले, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दूसरा अब हम इसके लिखते हैं नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सेम मतलब एक्चुअल रे डायग्राम के मदद से ही बना हुआ है, तो ये रे एक्चुअली में मीट किया है तो इसका हो गया ये तो रियल। दूसरा ये उसी के उल्टा बना हुआ है इसलिए इन्वर्टेड होगा। अब लिखते हैं उसके साइज, पहले हमें कैसा बना है और उल्टा बना है वो लिखना है, नेचर उसका और फिर साइज, ये होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब साइज में आप ध्यान दीजिए कि इसकी साइज और इसकी साइज बिल्कुल सेम है, तो ये बन गई हमारी सेम साइज की। और ऐसे भी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने आते जाएगा इमेज दूर होते जाएगा और उसकी साइज बढ़ते जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन लेंस एंड F1, मैंने बीच के दो तीन रे डायग्राम छोड़ दिए हैं क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप अब उसे फॉलो करें और आप वो रे डायग्राम खुद से बनाएं। तो हम चलते हैं ये लेंस और F1 के बीच में, मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, तो मैंने सोचा ये आपको ज़रूर दिखा दूँ। तो ये ले लिया हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F1, नेमिंग कर दिया हमने ए बी। इसमें भी कुछ नहीं, सेम वही काम करना है आपको कि आपको पहले तो एक पैरेलल लाइन खींचनी है प्रिंसिपल एक्सिस से और उसे कहाँ से पास कर देना है, बिल्कुल सही, हमें F2 से पास कर देना है। दूसरा हमें क्या करना है, इसी जगह से एक ऑप्टिकल सेंटर से भी रे पास करनी है। तो ये बन गया हमारा। अब आप ध्यान दे पा रहे कि ये रे जा रही है किसी और तरफ, ये रे जा रही है किसी और तरफ, ये कभी भी मीट नहीं करेगी, इसी कारण इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। तो हम इमेजिन करते कि ये रे डायग्राम मतलब बैक में कहीं पे टच की होगी, तो हम उसे डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। जैसे कि देखिए हम डॉटेड लाइन से इस इमेज को बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं और इस रे को भी हम बैकवर्ड बैकवर्ड हमने ये कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि ये रे इस जगह पे मीट कर रही है, मतलब हमारा इमेज कहाँ पे बन गया, इस जगह पर। और ये तो एकदम सेम उसी तरह बनेगा, ए का यहाँ पे ए डैस और बी का यहाँ पे बी डैस। तो आपने ध्यान दिया, अब हम इसके ऑब्जेक्ट के, ये क्या बना हमारे ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, मतलब सेम साइड में ऑब्जेक्ट के बिहाइंड। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ये तो रियल इमेज नहीं है क्योंकि ये तो हमने इमेजिनरी लाइन खींची है, इसलिए ये हो गया वर्चुअल। और ये जिस ऑब्जेक्ट जो साइज में मतलब जिस पोजीशन में, जैसे कि ये ऊपर तरफ था तो इमेज भी हमारे ऊपर तरफ बना है, इसलिए ये बन गया हमारा अपराइट।
अब हम इसके साइज के बारे में, ये ध्यान दीजिए कि ये साइज से ये साइज बहुत बड़ी है, इसलिए इसके साइज हो गई हमारी मैग्नीफाइड। तो देखा आपने, हम कोई भी रे डायग्राम लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के, बस दो सिंपल स्टेप में बना सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि हमें टॉप ऑफ दी जो ऑब्जेक्ट के पॉइंट है उससे एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के खींचने और F2 से पास कर देना है। दूसरा, हमें उसी पॉइंट से एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देना है जो कि एकदम स्ट्रेट पार हो जाती है, ये पैरेलल खींच के F2 से। उसके बाद जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिले आप बस उसे कर दीजिए। और रहा बात कि उसके नेचर क्या होगी, साइज क्या होगी, वो आप एक बार ज़रूर जाके हम मेरे ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।